हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम क्या करने वाले हैं ना, हमने जो एक्शन वर्ड्स कल सीखे थे, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे, जितनी भी चीजें दिख रही है, इसके रिलेटेड एक्शन वर्ड्स आपके दिमाग में क्या क्या आते हैं वो मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी और उसके रिलेटेड आपको, आपने जो एक्शन वर्ड सीखे हैं, एक्शन वर्ड्स कौन कौन से उसके उससे रिलेट हो सकते हैं वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें? ओके, मुझे बताओ ये क्या है। पहले तो ये क्या है बॉल, बताओ, ये बॉल, से इट लाउड लिया, क्या बॉल, है? बॉल, कैची, ओके, तो इसके रिलेटेड हम एक्शन वर्ड क्या क्या आ सकते हैं बताओ। कैचिंग, पिक, यस, गुड एंड पिक, गुड एंड थिंक थिंक एंड अभी मैंने इसकी तरफ ऐसे फेंक दिया, ये क्या हुआ? कैच, उसने कैच कैच किया लेकिन मैंने फेंका, ये क्या हुआ? ये भी तो एक एक्शन हुआ ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? गिव, गिव, यस, मैंने उसको दिया है ना, तो उसको मैंने दिया, गिव एक एक्शन वर्ड हो सकता है। एंड मैंने फेंका उसकी तरफ, तो फेंका भी एक एक्शन वर्ड हो, एक्शन एक्शन है ना वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेंकने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेंकने एक्शन, को क्या बोलते हैं? थ्रो, थ्रो थ्रो, करना है ना। और क्या आ सकता है बॉल के रिलेटेड? और क्या है? आ सकता है, अभी मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, मतलब ये क्या किया है मैंने, क्या होल्ड, किया होल्ड, है? होल्ड, तो होल्ड करना भी तो एक्शन है ना, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ तो ये गिर जाएगा है ना, तो मैंने इसको क्या किया है? होल्ड किया है। तो एक मैंने ये हमारा एक्शन वर्ड हो सकता है क्या? हो सकता है ना, यस। तो क्या क्या इसके रिलेटेड हमने एक्शन वर्ड्स बनाए, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या क्या आपने बताए थे? यस कैच, यस थ्रो, पिक, यस गिव, गिव, यस होल्ड, 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 यस एंड कैच, वन मोर, व्हाट इट इज? मैंने क्या किया? थ्रो, 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 समझ रहे हैं आपको? ठीक है, अभी एक और चीज देखेंगे हम लोग। अभी हम देखते हैं ये क्या है, क्या है? खाते हो आप लोग सब? पसंद है ना आपको? तो अभी इसके रिलेटेड क्या एक्शन वर्ड्स आ सकते हैं? होल्ड, गुड एंड कैच, यस, बट कैच हो सकता है, लेकिन हम अगर हम फल को ऐसे ऐसे कैच करते हैं क्या? नो, दैट इज अ गुड हैबिट, नो ना, तो नो, इसमें कैच आ सकता है बट हम करते नहीं है वो, है ना। हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या एक्शंस और करते हैं इसके रिलेटेड बताओ। यस, स्पीक पढ़ना, आल्सो, यस एंड इसको हम खाते हैं, ईटिंग, यस, क्या कहते हैं हम? ईटिंग, ईटिंग एंड वॉशिंग, इसको धोते यस, गुड, वेरी गुड। क्या करते हैं हम इसको? वॉश हैं, वॉशिंग, करते हैं, तो वॉश करना भी क्या हुआ हमारा, एक एक्शन हुआ ना, तो वॉशिंग, वॉश है ना, और वेरी गुड, ईटिंग बताया हमने है ना। और क्या आ सकता है, सोचो सोचो। कटिंग, वेरी गुड, क्या आ सकता है? कटिंग, वेरी गुड, तो हम इसको कट भी करते हैं है ना, लेकिन हमको जब कट करते हैं तो बड़ों से कट करके लेना चाहिए। आप लोग करते हो कट? नहीं, अगर करते भी हो तो केयरफुली, या तो सिर्फ बड़ों से कट करके बोलना, ठीक है। और ये क्या आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या आपको? कुछ और समझ आ रहा है? सोचो। और मुझे एक लगता है पीलिंग, हम इसको पीलिंग, ऐसे छिलते, कोई कोई ऐसे छिल के खाता है ना, तो एक पील करके भी हमारा एक एक्शन वर्ड आ सकता है, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं ये क्या है, क्या कप, ये, तो कप, इसके रिलेटेड क्या क्या एक्शन वर्ड आ सकते हैं, हम क्या क्या ड्रिंक, करते हैं, क्या क्या एक्शन होते हैं ड्रिंकिंग, इसके लिए? चाय पीते यस, ड्रिंकिंग एंड हैं, और होल्ड, यस, मैंने इसको होल्ड किया, अगर मैं छोड़ू तो छोड़ू। और क्या करते हैं, और क्या आ सकता है एक्शन? वॉशिंग,
यस गुड। और क्या इसको भी वॉश कर देना, बिना वॉश किए पीते हैं क्या? हाँ तो वॉश करना ये भी एक हमारा एक्शन हो सकता है, वॉश करना है ना। एंड इसमें हम चाय लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, फील है ना, उसको भरते हैं ना। अभी खाली खाली कप और आप ऐसे करोगे क्या? नो। इसको क्या करेंगे, इसमें पहले चाय लेंगे ना आप, फिर पियेंगे चाय या कॉफी जो भी है ना। तो फिर क्या करते हैं हम, मतलब कौन सा एक्शन करते हैं, फील है ना। और कोई याद आ रहा है आपको? ओके इसको हम रख देते हैं साइड। व्हाट इट इज, वाटर बॉटल, वेरी गुड। इसके रिलेटेड कुछ एक्शन वर्ड्स आ रहे हैं आपको ध्यान में, बताओ। यस यस, वन बाय वन। हाँ क्या आपने बताया पहले, ड्रिंक, वेरी गुड। एंड होल्ड, एंड ओपन, ओपन, यस इसको हम खोलते हैं। यस वॉश आल्सो। एंड और क्या आ सकता है, फील, यस इसमें हम पानी भरते हैं ना, तो फील भी आ सकता है ना। और क्या आ सकता है, क्लोज भी करते हैं हम इसको है ना, पानी भरने के बाद क्लोज करते हैं ना, तो क्लोज आ सकता है कि हमारा एक एक्शन आ सकता है ना। एंड और क्या हो सकता है सोचो, याद आ रहा है कि कुछ? नो, ओके देन हम दूसरा लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, चाहिए तो इसके रिलेटेड कुछ एक्शन वर्ड याद आ रहा है आपको? यस वेरी गुड, ओपन, ओपन, यस एंड क्लोज, क्लोज, यस क्लोज आल्सो। एंड और क्या आ सकता है, इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं भी है ना, घुमाते हैं ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक एक्शन हुआ ना घुमाना भी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, स्पिन करना है ना, स्पिनिंग। तो यानी कि अगर कोई ऐसे घुमा रहा है, कोई ऐसे घुमा रहा है, तो क्या कर रहा है वो, स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग, ठीक है। और कुछ एक्शन वर्ड याद आ रहे हैं इसके रिलेटेड, राइटिंग हो गया, होल्डिंग, वन मोर होल्ड, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये गिर जाएगा है ना, तो इसको मैंने क्या किया है, होल्ड किया है ना। ओके नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये क्या है, बुक, क्या है, बुक राइटिंग, इसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं हम, क्या एक्शन वर्ड आ सकते हैं, यस रीडिंग, ओपन, यस यस होल्ड, यस होल्ड एंड give, yes give also, हम किसी को दे सकते हैं इसको, give भी आएगा, give action word है ना। and open, yes open हो गया। और क्या आ सकते हैं, reading, पढ़ते भी है ना हम लोग, exams हो गए तो reading हो गया क्या? okay and और क्या आ सकते हैं बताओ, राइटिंग, रीडिंग, गिव, होल्डिंग, और कुछ याद आ रहे है क्या आपको? ओपन, क्लोज, ये सब हमने बोल दिया ना, समझ में आया आपको, मजा आया आपको, ये सब के आपने न्यू न्यू इंग्लिश वर्ड्स हमने जो कल सीखे थे वही बोले है ना, एक्शन वर्ड्स, समझ में आया आपको? ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू।